मेरे पास जितने रुपये हैं उसमें से 226 रुपये अधिक रीना के पास है। यदि मेरे पास 228 रुपये हैं तो बताइए रीना के पास कितने रुपये हैं। तो इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर ऐड करना है, 328 प्लस 226 इक्वल टू 554 आंसर आएगा इसका। एक दुकानदार ने 650 रुपये में एक पंखा खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, बताइए दुकानदार को कितने रुपये का फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमें 900 में से 650 को घटा देना है तो 250 रुपये का फ़ायदा होगा दुकानदार को, क्योंकि उसने 900 में ख़रीदा था, 650 में बेच दिया है तो उसे 250 रुपये का फ़ायदा हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, मोहन ने एक गाड़ी 8000 रुपये में ख़रीदी तथा 575 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। कुछ दिनों बाद उसने गाड़ी को 9000 रुपये में बेच दिया, बताइए उसे कितने रुपये का फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से निकालेंगे हम। इसमें हमें 8000 प्लस 275 को हमें ऐड कर देना है तो हमारा 8575 आंसर आएगा। फिर उसी में से 9000 में से 8575 को हम घटा देंगे तो हमारे पास 425 रुपये का फ़ायदा होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, 8000 में बच्चों ध्यान रखना 8000 में 225 को जमा करना है तब हमारा 8575 आंसर आएगा। फिर जो 9000 था उसमें से माइनस कर देना है 8575 को तो 425 रुपये का तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो ये इस तरीके से करना है। फोर्थ क्वेश्चन, एक गांव में 4766 पुरुष है, 3963 महिलाएं हैं और 1596 बच्चे हैं, तो बताइए उस गांव में कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर है कुछ इन सभी को टोटल कर देना है, 4766 प्लस 3963 प्लस 1596 इज इक्वल टू आंसर आएगा। तो इसका आंसर हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पुरुष का और महिला का बच्चे का टोटल हमें कर देना है जो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 4766 प्लस 3963 प्लस 1596 इक्वल टू 10325 इसका हमारा आंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से। फिफ्थ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8325 है, एक संख्या 4796 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका हमें आंसर निकालना है जो बच्चों इस तरीके से करेंगे। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, 8325 माइनस 4796 में से हमें माइनस कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 3529 आंसर है हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स को करने के लिए। सिक्स क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 3436 छात्र पास हुए और 1089 छात्र फेल हुए, बताइए कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए। तो इसमें 3436 को ऐड करना है 1089 में तो हमारा आंसर आएगा 4525 जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।